Let's start the today's lecture with some of the last topics of this chapter, the fundamental unit of life. So in this lecture, we are going to study what you have learnt. Till now, what we have learnt in this chapter is presented in the form of summary. Okay, so we have to go through this summary because some points are very important amongst all these. Okay, so let's catch them one by one. So before proceeding further, let's take a quick recap of what we have studied in the previous lecture. Okay, so in the previous lecture we have seen two cell organelles which are very important for the cell. Okay, for this chapter they are mitochondria and plastids. Sorry, last three: mitochondria, plastids and vacuoles. So as you know, I have told you in the previous lecture, mitochondria are known as powerhouse of the cell. Okay, mitochondria are known as powerhouses of the cell because they have a molecule called ATP, which is the energy currency of the cell. मतलब वो एक battery की तरह act करता है ATP, जो कि mitochondria के अंदर fit रहते हैं. जब भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ये बैटरी चालू हो जाती है, यानी एटीपी चालू हो जाते हैं. ओके, और एनर्जी देना चालू कर देते हैं. जैसे बैटरी इलेक्ट्रिसिटी देना चालू कर देती है, इन्वर्टर की बैटरी जैसे काम करती है घर पे, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी काम करते हैं और पूरे सेल को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल मेम्ब्रेन का होता है. बाहर आउटर मेम्ब्रेन होती है और अंदर इनर मेम्ब्रेन होती है. अंदर की जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड होकर क्या बना लेती है? क्रिस्टेई बना लेती है. ओके, क्या बना लेती है? क्रिस्टेई. ओके, फोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं? क्रिस्टेई. इसी क्रिस्टेई में एटीपी होते हैं. ओके, तो बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ करवाने के लिए और दूसरे रिएक्शंस करवाने के लिए ये एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, सेल को ज़िंदा रखने के लिए भी. ओके, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट. वो अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. एटीपी को एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं. जो सारी की सारी एनर्जी है सेल की वो कहाँ स्टोर होती है? एटीपी में ही स्टोर होती है. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और आरएनए होता है. ओके, डीएनए और राइबोसोम होते हैं, सॉरी डीएनए और राइबोसोम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के. ओके, नाउ प्लास्टिड्स क्या होते हैं, हमने देखा था. तो प्लास्टिड्स बेसिकली जो प्लांट में कलर प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं प्लास्टिड्स. प्लांट सेल को जो कलर देते हैं वो सेल ऑर्गेनल होते हैं प्लास्टिड. ओके, तो प्लास्टिड दो तरह के होते हैं, दो कैटेगरी होती है इनकी. क्रोमोप्लास्ट जो कलर प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग कलर देते हैं, येलो, ग्रीन, पर्पल, ब्लू. ओके, और ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट जो है सिर्फ वाइट कलर देते हैं या फिर कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट है ना. तो दो कैटेगरी होती है, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. ओके, तो क्रोमोप्लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लास्टिड होता है वो ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है और इस प्लास्टिड को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट. ओके, क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट आपने कहाँ पढ़ा था? क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था अपन ने फोटोसिंथेसिस में, कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस टू अकर. फोटोसिंथेसिस रिएक्शन चलाने के लिए प्लांट्स में क्लोरोफिल की जरूरत होती है. फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से प्लांट अपना खाना बना सकते हैं. ओके, खाना तैयार कर सकते हैं और उनका खाना क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, एक ही चीज है, या ग्लूकोज, तीनों एक ही चीज है. ओके, सॉरी. ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो बेसिकली तीन मटेरियल स्टोर करने का काम करते हैं या तीन मटेरियल देते हैं, स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन. ओके, तो जो प्रोटीन देते हैं उनको, उस ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं, प्रोटीन देने वाले ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट. ऑयल देने वाले ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं एलियोप्लास्ट और स्टार्च देने वाले ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट. ओके, तो ये तीन जो हैं वो अपने ल्यूकोप्लास्ट हो गए. ओके, द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा. सो वी वर टॉकिंग अबाउट प्लास्टिड्स. ओके, सो इन प्लास्टिड्स द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द न्यूमरस मेम्ब्रेनस लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटीरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा. तो प्लास्टिड के अंदर क्या भरा होता है? स्ट्रोमा भरा होता है. प्लास्टिड के अंदर के फ्लूइड को बोलते हैं स्ट्रोमा. ओके, अब उस स्ट्रोमा में
जैसे सिक्के होते हैं, बहुत सारे सिक्कों को आप एक साथ रख दीजिए एक के ऊपर एक, तो वो एक पाइल ऑफ कॉइन्स बना लेता है। तो वो पाइल ऑफ कॉइन्स की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं ग्रैनम। ओके, तो ग्रैनम होते हैं स्ट्रोमा के अंदर। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा जो फ्लूइड होता है उसके उसी में प्रेजेंट होता है ग्रैनम। ओके, और ग्रैनम बहुत सारे सिक्के जैसे स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। हर अगर एक सिक्के को अपन ले लें तो एक सिक्के को बोलते हैं थाइलाकॉइड। ओके, सो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये भी एक ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है, इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं। प्लास्टिड्स के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं, तो मेनली किसके पास? क्लोरोप्लास्ट के पास। ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है जिससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलती है। ओके, अब नेक्स्ट है वैक्यूल्स। दीज आर नोन एज स्टमक ऑफ द सेल। व्हाई? बिकॉज दे एक्ट एज स्टोरेज सैक्स फॉर द सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। ये एक स्टोरेज सैक्स का काम करते हैं, जैसे अपना पेट स्टोर करने का काम करता है खाने को, वैसे ही ये भी सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को, जो कि एक प्लांट फूड या एनिमल सेल का फूड हो गया, उसको स्टोर करने का काम करता है, या वाटर को। जैसे प्लांट सेल में 50-90% जो वॉल्यूम है वो कवर करता है वैक्यूल। ओके, क्योंकि प्लांट सेल को पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेल डिवीजन। तो सेल डिवाइड क्यों करते हैं? सबसे पहली बात, अगर ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है, किसी चीज़ को ग्रो करना है, लिविंग चीज़ को, तो सेल डिवाइड करेंगे, या फिर पुराने सेल्स को रिप्लेस करना है तो सेल डिवाइड करेंगे। ओके, या फिर कोई सेल डेड हो गए हैं तो सेल डिवाइड करेंगे, कोई सेल इंजर्ड हो गए हैं तो सेल का डिवीजन होगा। तो ये चार कंडीशन है मेनली जिनके कारण सेल का डिवीजन होता है। पहला, सेल की ग्रोथ, जब जब बॉडी की ग्रोथ करनी होती है तब सेल डिवाइड करता है, जब पुराने सेल्स को रिप्लेस करना होता है तब सेल डिवाइड करता है। ओके, जब पुराने सेल्स ख़त्म हो जाते हैं तब सेल डिवाइड करते हैं, ओके, नए सेल्स बनाने के लिए। ओके, या फिर पुराने सेल्स इंजर्ड हो जाते हैं तब नए सेल बनते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द मेन रीजंस व्हाई अ सेल डिवाइड्स। ऑल द सेलुलर रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। ओके, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब क्या होता है? मदर सेल से डॉटर सेल का बनना। ओके, एक सेल से दो सेल का या एक सेल से चार सेल का बनना। दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो ऐसा सेल डिवीजन जो अपने बॉडी के सारे सेल्स में होता है एक्सेप्ट गैमीट्स में, गैमीट्स में मियोसिस होता है, बाकी सारे बॉडी के सेल्स में, चाहे वो नाखून का सेल हो, चाहे बाल का सेल हो, चाहे आपके स्किन का सेल हो, चाहे लिवर का, किडनी का, हार्ट का, कहीं का भी सेल हो, वहां पर सोमैटिक सेल्स होते हैं। वो तो कहीं का भी सेल हो, वो सोमैटिक सेल्स होते हैं, और वो डिवाइड किस प्रोसेस से करते हैं? माइटोसिस से। ओके, तो मियोसिस से जर्मिनल सेल डिवाइड करते हैं, यानी स्पर्म और ओवम, बट माइटोसिस से अपने सोमैटिक सेल्स डिवाइड करते हैं, यानी पूरी बॉडी के। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स प्रोवाइड ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। सेल डिवीजन का वो प्रोसेस जिससे ज़्यादातर सेल जो है वो डिवाइड करते हैं ग्रोथ के लिए, उस प्रोसेस को बोलते हैं माइटोसिस। ओके, इन दिस प्रोसेस ईच सेल इज कॉल्ड मदर सेल। हर सेल को क्या बोलते हैं? मदर सेल, माइटोसिस में। और जो उससे बनने वाले, डिवाइड होकर बनने वाले सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं डॉटर सेल्स। ओके, सो दैट्स हाउ द सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। माइटोसिस में एक सेल से, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं, बट मियोसिस में एक मदर सेल से चार डॉटर सेल्स बनते हैं। और डिफरेंस क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर माइटोसिस में सेम होता है, मदर सेल में भी चार दिख रहे होंगे आपको, और डॉटर सेल में भी चार ही क्रोमोसोम है। बट यहाँ पर आप देखेंगे मदर सेल में यहाँ पर चार क्रोमोसोम है, बट डॉटर सेल में दो क्रोमोसोम है। ओके, तो क्रोमोसोम नंबर भी रिड्यूस हो जाता है मियोसिस में। ओके, सो ये सारी बातें अपन ने पढ़ी थी, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स रीड दैट पॉइंट्स वन बाय वन, लेट्स टॉक अबाउट देम। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। आपको भी पता है
जो बेसिक यूनिट है किसी भी लिविंग थिंग की वो सेल है। जैसे किसी भी दीवार की बेसिक यूनिट क्या होती है, ब्रिक्स, ईंट, वैसे ही हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट क्या है, सेल। तो सेल्स आर एनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल्स के अंदर क्या होती है, सेल किससे ढके होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अंदर सेल का कंटेंट होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, तो अंदर क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, लिपोप्रोटीन से, यानी लिपिड्स और प्रोटीन से। ओके, तो सेल का जितना भी अंदर का मटेरियल है वो किससे एनक्लोज रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ओके, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनती है, लिपिड्स और प्रोटीन। ये लिपिड्स और प्रोटीन कौन सिंथेसाइज करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, द सेल मेम्ब्रेन इज एन एक्टिव पार्ट ऑफ द सेल। आपको भी पता है सेल मेम्ब्रेन इज एन एक्टिव पार्ट ऑफ द सेल बिकॉज इट इज द लिविंग मेम्ब्रेन। फर्स्टली इट अलाउज ऑल द इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स टू एंटर इन द सेल्स एंड स्टॉप ऑल द वेस्ट पार्टिकल्स और द हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स और द हार्मफुल माइक्रोब्स विच ट्राई टू एंटर इनसाइड द सेल। ओके, सो इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट सेलेक्ट द थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर द सेल टू कम इन एंड रिमूव्स और मेक एन एग्जिट पॉइंट टू द ऑर्गेनिजम्स और द थिंग्स विच आर नॉट बेनिफिशियल फॉर द सेल। ओके, यानी जो जरूरी है सेल के लिए सिर्फ सेल मेम्ब्रेन वही अंदर आने देती है, बाकी जो जरूरी नहीं है वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर ही रोक देती है। ओके, इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटीरियल बिटवीन द ऑर्डर्ड इंटीरियर ऑफ द सेल एंड द आउटर इन्वायरमेंट। ओके, ये मैं बता ही चुका हूँ कि आउटर इन्वायरमेंट से जो है मटीरियल्स का इंटरेक्शन करती है। आउटर इन्वायरमेंट सेल के बाहर का इन्वायरमेंट क्या है, दूसरे सेल। ओके, इन प्लांट सेल अ सेल वॉल कंपोज्ड मेनली ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल में सेल वॉल जो है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से, क्योंकि प्लांट सेल की आउटर लेयर कौन सी होती है, सेल वॉल, और ये सबसे हार्ड रिजिड होती है, तो ये किससे मिलकर बनती है, सेलुलोज से बनती है। ओके, मेनली ऑफ सेलुलोज लोकेटेड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल enables the cell of the plant and fungi and bacteria to exist in hypotonic media without bursting. तो cell wall ही ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से अगर किसी cell को hypotonic solution में रख दिया जाए, मैंने ये बताया था hypo hippo swell, मतलब जैसे hippopotamus मोटा होता है दरियाई घोड़ा hippopotamus, वैसे ही hypotonic solution में cell को रखने पर cell भी मोटी हो जाती है, यानी फूल जाती है। तो अगर एनिमल सेल को रखा जाए तो एनिमल सेल फट सकती, लेकिन प्लांट सेल क्यों नहीं फटती, क्योंकि इस ये किससे सराउंडेड है, सेल वॉल से। ओके, सेल वॉल इसको फटने नहीं देती। द न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं। ओके, सेल ऑर्गेनल्स के बाहर भी मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन होती है, मतलब सारी चीज़ें जब सेल को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर दिखती हैं कि ये कौन सा सेल ऑर्गेनल है, ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये प्लास्टिड है, ओके, ये लाइजोसोम है, तो ये सारी चीज़ें आराम से दिखती हैं। ओके, तो ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि जो यूकैरियोट्स होते हैं, यानी जैसे हम लोग, फॉर एग्जांपल यूकैरियोट्स मतलब हम लोग यूकैरियोट्स है क्योंकि हमारे सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, हमारे सेल के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मतलब उनके बाहर भी मेम्ब्रेन होती है, तो इसलिए हम यूकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, ना न्यूक्लियस क्लियरली दिखता है ना सेल ऑर्गेनल्स दिखते हैं। ओके, द न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन एंड इट डायरेक्ट्स द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द सेल। ओके, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शंस बोथ एज अ पैसेज वे फॉर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड एज अ मैन्युफैक्चरिंग सरफेस। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैसे फंक्शन करती है, एक पैसेज वे की तरह भी फंक्शन करती है और एक इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट की तरह भी, एंड एज अ मैन्युफैक्चरिंग सरफेस। ओके, एक मैन्युफैक्चरिंग सरफेस की तरह भी काम करती है। द गोल्जी अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स। गोल्जी अपैरेटस का काम क्या है, एक तो पहली बात गोल्जी अपैरेटस जो है वो किससे मिलकर बनता है, मैं बता चुका हूँ आपको, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही मिलकर बनता है। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब टूट टूट कर किनारे इकट्ठा हो जाती है तो ये वेसाइकल में कन्वर्ट हो जाती है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली सिंथेसाइज करती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसाइज करती है। ओके, या फैट्स।
तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी जो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रही थी, तो उस प्रोटीन को या फिर वो लिपिड को जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज कर रही थी, तो प्रोटीन और लिपिड को पैक करके यहाँ वहाँ भेजने का काम कौन करता है? गोल्जी अपैरेटस। ओके, तो ये स्टोरेज का काम करता है, मॉडिफिकेशन का काम करता है, पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंसेस का काम करता है, तो ये सारे काम गोल्जी अपैरेटस के होते हैं। अब गोल्जी अपैरेटस से बनता है क्या? लाइसोसोम, जिसको सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। इसमें लगभग 60 तरह के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ये इतने हार्मफुल होते हैं कि कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया वगैरह अगर सेल के अंदर एंटर करता है तो ये लाइसोसोम फट जाएगा और इसके अंदर के जितने भी मटेरियल है वो सेल को डैमेज कर देगा। मोस्ट प्लांट सेल्स हैव लार्ज मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स कॉल्ड प्लास्टिड्स। बहुत सारे प्लांट सेल ऐसे हैं जिनके पास बड़े बड़े मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल हैं, जिनको बोलते हैं हम प्लास्टिड्स, ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनल्स को। जैसे एक प्लास्टिड का एग्जांपल दूं तो मैं, क्लोरोप्लास्टिक प्लास्टिड है जो कि ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है, ठीक है। तो दो तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, क्रोमो एंड ल्यूको, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर वाले प्लास्टिड होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट वाइट या कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। ओके, सो क्रोमोप्लास्ट दैट कंटेन क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं यानी कलर वाले प्लास्टिड, उसमें भी जो ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। ओके, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज स्टोरेज। ल्यूकोप्लास्ट का मेन काम क्या होता है? स्टोरेज। ओके, मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। बहुत सारे जो मैच्योर प्लांट सेल होते हैं उनमें सेंट्रल वैक्यूल बहुत बड़ा होता है जो कि टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखता है सेल की, एंड स्टोर्स इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज इंक्लूडिंग वेस्ट। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, देयर क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते, उनके क्रोमोसोम जो होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? न्यूक्लिक एसिड से, एंड दे हैव ओनली वेरी स्मॉल राइबोसोम्स एज ऑर्गेनल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, देयर क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं यानी बैक्टीरिया वगैरह का जो सेल होता है उनमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता, तो उनके क्रोमोसोम भी ऐसे ही पड़े रहते हैं। ओके, और उनके पास बहुत छोटे छोटे राइबोसोम होते हैं, वो सेल ऑर्गेनल का काम करते हैं। ओके, सेल्स इन ऑर्गेनिज्म डिवाइड फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी। जो सेल्स होते हैं ऑर्गेनिज्म में वो क्यों डिवाइड करते हैं? मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, क्योंकि बॉडी को ग्रो करवाना हो या फिर डेड सेल्स को रिप्लेस करवाना हो या फिर गैमेट्स का प्रोडक्शन करवाना हो। ओके, सो गाइज, दिस वॉज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेस ऑफ योर बायोलॉजी बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ सेल बायोलॉजी। सो प्लीज गाइज, जितने भी लेक्चर हुए हैं इस चैप्टर के, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के, आप प्लीज़ उनको बार बार रिविजिट करते रहिए। ओके, और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इनको बार बार देखिए, और जो अभी ग्लिच आ रहा है कि वीडियोस का क्वालिटी ख़राब रहता है, तो आप एक काम करिएगा, प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है, एक काम करिएगा, आप YouTube इस लिंक को शेयर कर लीजिएगा अपने फ़ोन पे गूगल पेज में। ओके, गूगल पे जब आप शेयर करेंगे तो उससे जब यूट्यूब खुलेगा तो उस पे आप एक ऑप्शन होता है राइट साइड में तीन डॉट होंगे आपके फ़ोन पे, उस पे एक ऑप्शन आएगा डेस्कटॉप साइट करके। तो डेस्कटॉप साइट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको जो वीडियो है वो क्लियर क्वालिटी में मिल जाएगा, तो आपके फ़ोन पे ही आपका काम हो जाएगा। ओके, सो सॉरी फॉर द ग्लिच गाइस, ये पता नहीं क्यों, ये मैं तो अच्छी क्वालिटी में ही अपलोड करता हूँ, बट ये वीडियोस की क्वालिटी जो है काफ़ी गिर जाती है, मुझे पता नहीं क्यों यूट्यूब ऐसा कर रहा है, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट जो मैंने तरीका बताया आप उस तरीके से क्वालिटी अच्छी मिल सकती है आपको। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस, कीप रिवाइजिंग द लेक्चर्स, थैंक यू।